आपका स्वागत है मन की आवाज़ न्यूज़ में। आज हम आपको दिखाएंगे जालौर जिले के बड़गांव गांव की बदहाल सड़क के बारे में, क्या कहती है जनता और किस तरह से जनता परेशान है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आइए देखते हैं क्या कहती है जनता इस खड्डों के बारे में, इस सड़क के बारे में। आइए। रानीवाड़ा मंडल रोड पे हाईवे पे इतने गड्ढे हो गए हैं कि जिसमें वाहन चलाना भी बड़ा मुश्किल हो गया है और दुर्घटना होने की बिल्कुल संभावना ही रहती है। कई मोटरसाइकिल वाले स्लिप हो जाते हैं। मामा कॉलोनी में तो लगभग 1 से 1.5 फीट के गड्ढे हो चुके हैं, जबकि यह हाईवे होते हुए सुंदा माता पर्यटक स्थल है, अहमदाबाद सिरोही जाने के लिए मेन यह रोड बना हुआ है, फिर भी इसके बावजूद कोई प्रशासन की ओर ध्यान नहीं दे रहा है और न ही कोई रिपेयरिंग कार्य किया जा रहा है। ये थे कालूदान जी, बड़गांव निवासी। दौलतदान जी, क्या कहना है आपको इस सड़क के बारे में? इस सड़क के बारे में जो गुजरात से जोड़ती हुई है सड़क है, माउंट आबू है, सुंदा माता है, सिरोही के लिए सभी रोडों से ये मिलती जुलती सड़क है और बीमार लोगों को पालनपुर जाने के लिए मेन सड़क यही है, आवागाही यहीं से होती है और मतलब मेन स्टैंड से मामा कॉलोनी तक 2-2, 3-3 फीट तक गड्ढे पड़े हुए हैं। कोई डिलीवरी पेशेंट जाता है तो उनको बड़ी परेशानी है, लेकिन प्रशासन या किसी उच्च अधिकारी या किसी MLA की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नहीं, आपका स्थानीय विधायक नारायण सिंह देवल ये कहते हैं कि भाई अच्छा आदमी और अच्छा काम कर रहा है, फिर ये बड़गांव के आपके हाल क्यों ऐसे? इस बार नारायण भाई तो इस बार के 10 बार होके निकला है, खुद विधायक भी यहीं से गुजरते हैं, लेकिन उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। हाँ, देवजी पटेल, अच्छा, फिर बावजूद भी वो ध्यान नहीं देते। उधर एकदम गहरा खड्डा है आगे वाला भी है। और इधर तो मिट्टी 2-3 बार हमने ये सब दुकान वाले ने डाला हुआ, तो भी ये ऐसा ही। बताइए सड़क के बारे में। सर, ये 11 हाईवे है मंडार से रानीवाड़ा, इतना खुरा हाईवे है कि इस पर कोई इंसान नहीं चल सकता है, खड्डे इतने खड्डे। सर राम जी, बड़गांव से। हाँ, इधर सुबह 2-3 आदमी गिर गए थे पानी के अंदर और 2-3 बार हमने वो लिख के भी दिया है प्रशासन को, फिर भी ये ऐसा ही ऐसे रोड है। इधर बहुत बार रात को भी हम इधर लोग गिरते, हम इधर बहुत गिरते, हम लोग इधर 2-4 दुकान वाले हम भी उठाते इधर से, बहुत लेडीज भी गिरती है। तो प्रशासन क्या कहता है? आपने प्रशासन निवासी जोर सिंह, पप्पू सिंह और दिनेश भाई माली, अब बताइए सड़क की दुर्दशा के बारे में और ये कहाँ से कहाँ जाती है? ये इधर से डीसा जाती है, पालमपुर जाती है, रोड पूरा खराब है, इस वजह से कोई सुविधा नहीं हो रही। आपने कहीं शिकायत की? हम 2 बार पंचायत में जाके आए थे। इसके अलावा अधिकारियों से, आपके सांसद से, आपके विधायक से? विधायक से बात तो नहीं हुई, पंचायत से बात हुई थी। नहीं, लोग तो कहते हैं कि आपका विधायक अच्छा है नारायण सिंह देवल, लेकिन सड़कें जो बड़गांव के हाल देखते हुए, सड़क वो पाइपलाइन के हिसाब से पूरा टूटा हुआ पड़ा है। पब्लिक ने बहुत की है, अगर कोई सुनवाई नहीं है, पत्थर डाल देते हैं। सचिन पायलट आए थे, उनको भी बात रिपोर्ट लिख के दी थी हमने। अच्छा। उस दिन दिया था हमने लेटर लिख के, पूरा कॉलोनी मिल के दिया था, उस पर भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई।